साउथ दिल्ली में स्थापित हौजखास विलेज 20 फरवरी की रात को नागालैंड की एक लड़की के साथ रेप हो जाता है। एक ऐसा इलाका जो कि 24 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहता है। हम खड़े हैं भारत की राजधानी दिल्ली के हौजखास विलेज में, जो कि बहुत ही चहल पहल वाला इलाका है। हाल ही में कुछ ही दिनों पहले 20 फरवरी की रात को नागालैंड की लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म, वही दुष्कर्म जिसकी वजह से दिल्ली की लड़कियां घरों से बाहर निकलने में डरती है। आइए जानते हैं यहां के लोगों से कि उनका इस वारदात के बारे में क्या कहना है। 1-2 बज रहे थे रात को, लड़की ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और मतलब आ रही थी तो रास्ते में लड़के मिले उनको। उसने बोला मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, लेकिन वो ड्रॉप करने के वजह पे वो लड़की को उसने बोला मैं पार्क में मेरी गाड़ी खड़ी है तो वहाँ चलिए, मैं आपको वहाँ से पिक करके आपको घर छोड़ दूंगा। लेकिन ये नहीं हुआ। उसको लड़की को समझ होना चाहिए, इतना ड्रिंक करना चाहिए उसको, जो पता होना चाहिए जो पार्क में जो गाड़ी पार्क नहीं हो सकती है। मेरा कहना यही है कि नहीं होना चाहिए। आज मेरी भी बेटी है, कल के वो भी किसी की बेटी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ गार्ड हमेशा रहना चाहिए और पुलिस वाले भी रहना चाहिए अगर होटल है तो। गार्ड 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं? रहते कहते तो रहते हैं, पर उनकी सुरक्षा क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है जब ये बात हो गई तो। बल्कि कहते गेट पर 24 घंटे गार्ड होती है। इतनी सुरक्षाओं के बावजूद इस वारदात को अंजाम मिलता है, तो क्या इसका जिम्मेदार हम पुलिस की लापरवाही को माने या फिर यहाँ मौजूद कर्मचारियों को? Mature enough, you should have guided her to the, you know, to her place instead of taking advantage of her. And you know, the society blaming that it's a girl's fault is totally wrong. Maybe being a girl, I would say that. Because you know, even if I'm drunk and someone offers me help, obviously I trust that guy, you know. And being a responsible citizen, he shouldn't have taken advantage of her. जैसा कि आपने देखा कि यहाँ इस वारदात के बाद लोगों के अलग अलग विचार सामने आए हैं, और रही सुरक्षा की बात तो दिल्ली की लड़कियाँ अभी भी खुद को महफूज नहीं समझती हैं। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस क्या अहम कदम उठाएगी, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मिसबा अली के साथ मैं पूजा चौहान, ASMS न्यूज, नोएडा।